सो हेलो गाइस, एक दफा दोबारा से वेलकम किया जाता है तुम लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और मजे की चीज आज ये होने वाली है कि तुम लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लॉस सेंटोस के अंदर एक गाड़ी है जो कि तुम लोगों को नजर नहीं आएगी। मतलब ऐसे तो काफी सारी गाड़ी है, लेकिन मेरी फेवरेट की लिस्ट में से एक गाड़ी है जो तुम लोगों को नहीं नजर आएगी। और वो गाड़ी हमने ट्रेवर से मंगवा ली, क्योंकि वो अभी कुछ मिशंस के लिए, मतलब कुछ गैंगस्टर्स वगैरह को मारने वगैरह के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को लेके गया हुआ था लॉस सेंटोस से बाहर। तो हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि यार हम तुम लोगों को पैसे दे देते हैं, और तुम लोगों को एक काम सिर्फ करना है कि वो गाड़ी को किसी तरीके से मेरे पास लेके आ जाना है। बाहर से उसने उस गाड़ी को ख़रीदा, मैंने उससे वाइट कलर की कहा था, लेकिन वो ब्लैक कलर की लेके आया है। और मैंने उसको फिर बोला कि यार कितने कस्टम ड्यूटी पड़ी है, तो मतलब कि तकरीबन तकरीबन बहुत महंगी, मतलब अच्छे खासे डॉलर्स जो है वो हमारी जेब से निकले। और गाड़ी है कौन सी? बूम बाम, तुम्हारे भाई ने नई फॉर्च्यूनर ले ली है यार। मतलब कि तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे भाई की गाड़ियों की लिस्ट के अंदर एक ऐसी गाड़ी ऐड हो चुकी है जो कि ख्वाब था लेना, और वो ख्वाब जो है वो ट्रेवर ने पूरा कर दिया। तो अब सीन ऐसा है कि हम लोग जो है वो अपनी नई फॉर्च्यूनर के अंदर जाएंगे, और मॉडिफिकेशन शॉप के अंदर हम जाने वाले हैं। और मॉडिफिकेशन शॉप के अंदर जाके हम लोग इस गाड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो हम लोगों ने बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद हम लोगों को मिली है। और पहले मेरा दिल था लैंड क्रूज़र लेने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार लैंड क्रूज़र जो है वो ज़रा थोड़ी सी औकात से बाहर हो जाएगी, और वैसे भी पैसे शैसे जो है ना वो इतने ज़्यादा है नहीं, तुम लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो तो पैसे किधर से आएंगे। तो अभी सीन ऐसा है कि हम लोग इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं जी थोड़ी सी ड्राइव के ऊपर, इस गाड़ी को चला के देखेंगे। बेसिकली अभी हमने जाना है बेसिकली ना लॉस सेंटोस के कस्टम वेयर हाउस के अंदर, वहाँ पे जाके हम इस गाड़ी को जो है वो मॉडिफाई करवाएंगे। मॉडिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपकी गाड़ी को ना कभी कभी किसी ऐसे मिशंस के ऊपर जाना पड़ जाता है जहाँ पे पुलिस पीछे पड़ जाती है, तो फिर हमें ना अपनी गाड़ी को पहाड़ों के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। और फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जो कि पहाड़ों के ऊपर आराम से चढ़ जाती है, और इस वजह से हमने जो इसके टायर्स हैं ना वो ऑफ रोड लगवाने हैं। बेसिकली मुझे इसके टायर्स का ही सबसे ज़्यादा इशू है। इसके टायर्स जो है वो तुम लोगों ने अगर फॉर्च्यूनर कभी चलाई हो तो तुम लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि इसके जो टायर्स हैं वो ज़रा थोड़ी सी लो क्वालिटी के होते हैं। इसके टायर्स उतने अच्छे नहीं होते फॉर्च्यूनर की बॉडी के हिसाब से। तो हम लोगों ने इसके चारों टायर्स रिम समेत चेंज करवाने हैं, पर हमने लगवाने हैं ऑफ रोड टायर्स। सही है? तो अभी जो है वो हम एक सेकेंड एक काम करते हैं, हम यहाँ पर गाड़ी को अपना पार्क करते हैं इस जगह के ऊपर और मैप के अंदर चलते हैं। ये हमारा मैप है, यहाँ पे हमने बेसिकली जाना है इस जगह के ऊपर। सही है? तो यहाँ पे हम लोग इसको लगा लेते हैं ताकि हम आराम से ना पहुँच जाए। सही है? तो यहाँ पे हमने इसको लगा लिया, तो अब हम अपनी सफ़र के ऊपर जो है वो गामजन होते हैं। तुम लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लेना, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वीडियो का तुम लोगों को मिल सके। तो चलो यार, मैं उस जगह पर पहुँच के लॉस सेंटोस के कस्टम वेयर हाउस के पास पहुँच के तुम लोगों से मिलता हूँ। तो यार हम लोग जो है वो लॉस सेंटोस के कस्टम वेयर हाउस के पास जो है वो तकरीबन तकरीबन पहुंच ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने दोस्त से मिलना था, तो उससे मिलने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा, और वो मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सका, वो थोड़ा सा ज़रा पर्सनल मामला था। तो चलो हम लोग लॉस सेंटोस के कस्टम वेयर हाउस के पास पहुँच चुके हैं, और ये लॉस सेंटोस के कस्टम वेयर हाउस है, ये मेरा दूसरा घर है। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी काफ़ी सारी बाइक्स और गाड़ियाँ जो है वो मॉडिफाई करवाई हैं यहाँ से। तो हम इस गाड़ी को अंदर ले जाते हैं यहाँ से, और तुम लोग देख सकते हो कि ये जो दोस्त है ये हमारा दोस्त ही है बेसिकली। ये भी हैरान रह गया है कि यार तुमने तो बड़ी मतलब सरप्राइज़ दिया है। तो बेसिकली हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका आर्मर जो है वो हम करवा लेंगे, ब्रेक्स जो है वो हम करवा लेंगे, इंजन का हम इसको ऑर्डर दे देंगे ये कर देगा, फिर लाइट्स का हम लाइट्स हमारी ठीक है, प्लेट जो है वो हम इसका गोल्डन करवा लेंगे, रीस्प्रे गाड़ी को करवाएंगे हम मेटेलिक कलर की, और मेटेलिक कलर में हम रखवाएंगे डार्क स्टील कलर। सही है? और हम जाएंगे अब सस्पेंशन के ऊपर, सस्पेंशन हमने लोअर करवानी है, ट्रांसमिशन हमारी हमेशा रेस ट्रांसमिशन होती है, टर्बो को भी हम ट्यूनिंग करवा लेंगे, और अब जो बेसिक चीज़ है वो है व्हील्स। अब हमने जाना है टायर्स के अंदर, और टायर इन्हेंसमेंट के अंदर नहीं, टायर व्हील टाइप के अंदर। सही है? तो हमें ऑफ रोड गाड़ी चाहिए, तुम लोगों को पता ही है ऑफ रोड गाड़ी के अंदर हमारे पास ये टायर्स हैं, और ये वाले टायर्स तुम लोग देख सकते हो कि ये वाले टायर सबसे महंगे $2100 के हैं। और हम ज़रा नीचे जाके देख लेते हैं कि बाकी जो सारे टायर्स हैं ना, ये देखो कितने महंगे महंगे, ये इस वक्त इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम यही वाले रखवा लेंगे। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे व्हील के अंदर, और इसका जो एलॉय रिम्स हैं इसका जो कलर है ना हम रखेंगे रेड। रेड कलर रख लिया, कौन सा रखें तुम लोग, क्या कहते हो? मेरा जो पर्सनली दिल है ना वो हम मेरा दिल है डार्क ऊपर रखने का। सही है? गाड़ी की ज़रा थोड़ी सी शो बढ़ जाएगी। और टायर डिज़ाइन के अंदर जो है वो हम ये वाला नहीं, ये तो सस्ती टैक्सियों वाला डिज़ाइन है। व्हील टाइप के अंदर जो है वो हमने चेक कर लिया है। तो चलो
ये हमारा जो है वो गाड़ी जो है वो तकरीबन थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है, और बाकी पूरी मॉडिफाई इसको बाद में करवाएंगे। तुम लोग देख सकते हो गाड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ी लग रही है, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि भाई गाड़ी की जो टोर है ना, मतलब कि मैं ये मानता हूँ कि मैंने इस गाड़ी को इतना अच्छे से मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन मुझे बेसिकली ये गाड़ी जो है वो मिशंस के लिए चाहिए थी, और मिशंस के लिए जो हमने गाड़ी चाहिए होती है तो हम उसकी गाड़ी के टायर्स को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक बनेगी पिक्चर कि भाई तुम्हारे भाई ने ले लिए नई फॉर्च्यूनर, सही है, मतलब कि बहुत ही सेक्सी फॉर्च्यूनर है, और मुझे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ये फॉर्च्यूनर ले लिया। तो अब हम जो है वो ये सीन ऐसा है कि हम लोग अब जाने वाले अपने घर, और घर जाके हम अपनी आंटी को सरप्राइज़ देंगे। बेसिकली मैंने अपनी आंटी को बताया भी नहीं था कि हम लोगों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली है। और चलो यार, मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और बहुत जल्द तुम लोगों से एक और वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी कि माइक का इशू था, अभी भी तुम लोगों को काफ़ी वीडियोज़ तक माइक के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। अब आगे जो भी वीडियोस वगैरह या मिशंस वगैरह आएंगे वो हमने अपनी फॉर्च्यूनर के ऊपर ही करने, और मैं ज़रा इस अपनी फॉर्च्यूनर को ज़रा थोड़ा सा ऊपर से लेके जाऊँगा, क्योंकि भाई ख़र्चा किया है और यहाँ से तो रास्ते ही बंद है माशाल्लाह से। तो चलो यहाँ से मोड़ लेते हैं। कहाँ से लेके जाएँ भाई, अब तो भाई ऑफ रोड टायर डल गए, अब तो कोई मसला ही नहीं है, गाड़ी नीचे भी नहीं लगेगी, लेकिन नीचे लग सकती है क्योंकि हमने लोअर सस्पेंशन करवाई है। और ये देखो भाई, ये चीज़ चाहिए थी मुझे, ये चीज़ चाहिए थी गाड़ी को, जंप शंप। मतलब लोग जो है वो फॉर्च्यूनर इस मकसद के लिए कभी भी नहीं लेते, लेकिन हमने अपनी गाड़ी का जो है वो बेड़ा गरक कर लिया। भाई देखो, ट्रेवर जो है ना वो पता क्या कहता है, ट्रेवर कहता है कि तुम जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लो, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम उस गाड़ी के साथ कुछ भी कर सकते हो, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है इसको आराम से चलाने की, ये हमारी एक किस्म का डेली ड्राइवर बन के रहेगी, और इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह अगर पड़ेंगे, क्योंकि हमने तो भाई इस गाड़ी के साथ वही काम करने हैं जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, जिसके लिए अब बदनामे ज़माना है, ड्रिफ्टे श्रिफ्टे मारना और सब कुछ करना। तो चलो यार, मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। ओके।